अरे क्यों तने तेरा लगा राखी बहु क्यों ना घर ने टाले क्यों तने तेरा लगा राखी बहु क्यों ना घर ने टाले अरे केड़े के सगा च बहु का खड़ी पदम दी सिहाल अरे पाती सर पी खाले ते ये पाती सर पी खाले ते तेरी पित से मुंह जखाई और ताई से पित तीसरी कली में कैसे प्रशंसा करती हैं क्या बताए भला लठा मुंह देखन लागी कटिया रूप का तहाड़ा लठा मुंह देखन लागी कटिया रूप का तहाड़ा और गोरा गोरा गात बहु का ए मेरे खान गाड़ा और सब ते ढंग नराला से ए सब ते ढंग नराला से बहु तन तन दिस लगाई और दाइस पिता तनन गज खाणी आज ये सभी भाइयों को ये सूचना दी जाती है कि ये रिकॉर्डिंग मैना कैसेट कंपनी हंसराज जी बलवंत राय जी मैना कैसेट है ये उनकी उनकी तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है और ये जहां भी कैसेट ओरिजिनल कैसेट मिलेंगी जिसकी धूम मची हुई है यूपी राजस्थान हरियाणा में मैना कैसेट की मची हुई है आज उसी की रिकॉर्डिंग है। श्री जयपाल दहिया साहब रोहने के रहने वाले हैं ये दहिया म्यूजिक सेंटर खरखोदा मेन चौक पे इनकी शॉप है दुकान है इस पार्टी को 100 रुपये नाम में देते हैं। श्री जयपाल दहिया जी को बार बार धन्यवाद दिया जाता है। तो चौथी कली में पंडित जी महाराज ने कैसे क्या बताया भला राम शरण सतगुरु की कहर लई गावण की कुल राम शरण सतगुरु की कहर लई गावण की और धन की डोरी तो फूट हाथ ते फेर नहीं छोड़ की अर मारे घर बहु आवण की मारे घर बहु आवण अट कर कर पट मिठाई और आए आई
हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। अरे वादा किया है वादा करके निभाना, हमें ना भुलाना। तेरे प्यार में मर जावा, तेरा नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। लेके बढ़िया ढंग कर अमरीका में बहुत अच्छा डॉक्टर लग गया। छोरन गेरी चिट्ठी कहने बोला, पिताजी तने बड़ी मेहनत करके खून पसीना एक करके कसी कसोला अड़ चला कर मेरे को पढ़ाए लिखा, देख मेरे ठाठ आज अमरीका हवाई जहाज की टिकट भेज दी, अरताओ तो बढ़िया धोती कुर्ता खंडकारा थी लाल कुरम की जूती पैर के, लेके 5 किलो घी की पीपी, समझा रहे, लेके 5 किलो घी की पीपी जाओ तेरे अमरीका में। ईबीसी की ड्रेस तो अमरीका में पांदी निकती भी, और जवान जवान लड़की भी कच्चे कच्चे हम फिरे हैं, हमारे यहाँ की तो ड्रेस ही बड़ी अच्छी है। अब बुड्ढा की ड्रेस देख के अंग्रेज और अंग्रेज ने चुगर तक हूं, मैं बुड्ढा का चुगर महस देखनी है, महस ने देख क्या करे, पुंदड़ ठीक है कि नहीं, सींग ठीक है कि नहीं, लोटी ठीक है कि नहीं। एक अंग्रेज ने धोती छेड़ी, ओह व्हाट इज दिस, वेरी गुड अंग्रेज, बुड्ढा बोला धोती, अरे बैठ जाएगा बैठ जा, बुड्ढा बोला धोती, एक अंग्रेज ने कुर्ता छेड़ा, ओ व्हाट इज दिस, नुमला कुर्ता टेरिकोट का काचा, जूती छेड़ी जूती बता दी, खिंडका छेड़ा खिंडका बता दिया, चक्कर काट के, अरे एक अंग्रेज ने धोती की लांगड़ का हाथ ला दिया बुड्ढा के, इब लांगड़ का हाथ तो ऐसा लग गया जिसे धोटे की कुंदड़ के ला दे। अंग्रेज बोले ओ व्हाट इज दिस, उसका छो उठा, उसने उसकी टाई पकड़ ली, अरे बोला व्हाट इज दिस, बोला दिस इज माई नेक टाई, बुड्ढा बोला तो दिस इज माई बैक टाई, बोलिया छोरा कहने लगा पिताजी यहाँ बड़ा अच्छा आविष्कार हुआ है, नई गोली बनी है, बोला ससरे नई गोली बनी, हमने क्या जरूरत है गोलियां की, अरे हरियाणा में सब के में मिले, दिल्ली में तो सारी दवाई मिले मिले हैं। छोरा कहने लगा बाबू यू बड़ा खतरनाक देश है, नए नए प्रयोग हुए या नई गोली आई है, एक गोली खाने से 8-10 साल उम्र कम हो जाए, बोला फिर तो बेटे डिब्बा ठंडा भर दे, मैं भी खाऊंगा, तेरी माँ ने भी खुआऊंगा, तेरी चाची ने ताई ने मरी सालिया ने सारिया ने खुआ के अटके जवान होंगे। छोरा की फेर आई चिट्ठी भी नग में, क्या पिताजी मेरे पास, अरे भाई तुम वॉलंटियर ज्यादा शोर करो हो। अब छोरा की फेर चिट्ठी आई, क्या पिताजी मेरे पास सामान बहुत है, दिल्ली हवाई अड्डा पे मिलिए, मेटाडोर लियाइए चाहे जीप लियाइए चाहे ट्रैक्टर लियाइए। अब छोरा उतरा अड्डा पर, देखता मेरा ना माँ दिखे ना बापू दिखे, 18-20 साल की नई सी बहू और 6 महीने का बालक ने ले रही गोदी में, अरे बाज के सिर पुचकारिया, नोली बेटा तू आ गया, नोला बहन जी मैं तो आ गया, आप कौन हो, अरे बोला काटन जोगे मैं तेरी मां हूं। छोरा कहने लगा हो ही नहीं सकता, मेरी मां तो 75-80 साल की थी, नोली बेटा तेरी गोलियां का कमाल है, अरे देखे मैं तो बेईमान में एक मुट्ठी भर के खागी देख ले, अटके सुभाषण होगी जवान होगी, बोला कोई बात नहीं मेरा बाबू कड़ा है रे, नोली रे जितनी डब्बा में बतरी थी जा रहा सारी खा गया, यू गोदी में ले रही तेरा बाबू यू ऐसा है। दैया म्यूजिक सेंटर खरखोदा 100 रुपए देते हैं भैया साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। सच कराना से उसके नाता हारा।
बदनामी तेरे कड़ाई तेरे हॉस्पिटल में जाले वहां भीड़ और स्कूल तो ठंडे भरे जो हमारे पुराने नाम थे बर्थू प्यारा धन्ने जसबीर मांगे रलदू वे नाम खत्म हो गए। अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं किसी का नाम चिंटू बिट्टू मिट्टू किट्टू और जो थोड़ा सा फर्क हुआ जो हमारे पुराने पुराने नाम थे उन अंग्रेजी में कहने लग गए। जो गांव में पिलपिले पिलपिले बालक आते उन्हें शहरा मांगे पप्पू कहने लग गए। जो गांव में पतासो का करते जी ने शहरा मांगे उन्हें स्वीटी कहने लग गए। जो गुलाबो थे उन्हें रोजी कहने लगे सिणकले सिणकले बालकन सन्नी कहने लगे घना फर्क नहीं आया। तो लोगों को नाम नहीं मिलेंगे क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो गए। हो सकता लोग फिल्मों के पीछे लग लें। कोई भी अच्छी फिल्म आई लड़का पैदा हुआ नाम रख दिया कुछ कुछ होता है। जब परिवार में कोई सगाई वाला या कोई रिश्तेदार आवेगा और फिल्मों के ऊपर परिवार के नाम होंगे तो इंट्रोडक्शन करवाते हैं बड़ी अजीब सी स्थिति होगी। सारा परिवार बैठा है और फिल्मों के ऊपर कुंबे के नाम में कैसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जैसे आया कोई इंट्रोडक्शन कराई आइए जी ये है मेरी दादी जी ये आग कब बुझेगी ये मेरी घरवाली जंगल की हसीना ये मेरा बेटा जीने नहीं दूंगा ये मेरी भाभी डाबरनिंग ट्रेन यह मेरी बेबे चंद्रावर ये मेरे भाई अमर अकबर अंथनी और ये मेरे साले अली बाबा 40 चोर। डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा का जमा बीच में देसी गांव जमा ठेठ देसी पढ़ लिख के लेक्चरर लग गया और मेरी सोनीपत शहर में सगाई हुई। मैं कूदता फिरू मेरी माँ भी राजी हो रही मैं भी राजी हो रहा। मैंने बा बोली रे बेटा शहर की बहू आगी पढ़ी लिखी बुआ होगी सूत्री बुआ होगी घर में सुधार होगा। सूत्री भी आ गई पढ़ी लिखी भी आ गई घर में सुधार कौन होया।
अली बाबा 40 चोर। घर में सुधार नहीं होया क्यों? अग मारी मैडम लौटी रहा मेरी काम माँ काम करती फिर और सवेरे उठ के मैडम नू का माता जी चाय पिलाओ ने मैं बोला और लिया बनो। एकदम मैंने सोचा कोई ड्रामा करना पड़ेगा, ड्रामा करा। सवेरे सवेरे मेरी माँ झाड़ू देने लग रही, मैंने बाज के झाड़ू खोस ली। माँ मन दे झाड़ू मैं दूंगा। मेरी माँ बोली ना बेटा झाड़ू तो मैं दूंगी। मेरी माँ का झाड़ू मैं दू, मैं क्यों झाड़ू मैं दू? रोला तो न्यू करा था मंगाया भगवान उठेगी मेरी माँ के पांच छुएगी झाड़ू लेगी और झाड़ू देने लग जाएगी। उठी नु बोली क्यों कंजर पड़ा तैर रहे हो, रात नवारी तक फिल्म देखेंगी। ई तो हमने शोर कर दिया। मैंने कहा शोर की क्या बात है, ये मेरी माँ झाड़ू देने लग रही मुझे तो बड़ी शर्म आती है। या क्या झाड़ू मैं दू, मैं क्यों झाड़ू मैं दू? फिर नु बोली जी इसमें भी को लड़न की बात है, एक दिन आप दे लो एक दिन तेरी माँ दे लेगी। हरियाणा के जाने माने कलाकार सुपरहिट कलाकार हरियाणा के धर्मेंद्र। चतर रेखा बड़ी महल में जित आनंद सारे थे और द्वार का के महल बावड़ी ढंग दुनिया ते न्यारे थे। छत्र रेखा बड़ी महल में सारे द्वार का के महल बावड़ी दुनिया ते न्यारे थे। छत्र रेखा श्री जयपाल सिंह जी मान प्रॉपर्टी डीलर 100 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कंचन कांच गैलरी संग मरमर के दरा जरे थे भाई दरवाजे संगीन चढ़ाए तो पैरे दार थे। अरे सब सूत सनी के उस कमरे में पलंग पड़े थे रही बुलबुल से महक चिड़िया के गुलशन पे झगड़े थे रही बुलबुल से महक चिड़िया के गुलशन पे झगड़े थे। देखे हीरे पन्ने लाल जरे हीरे पन्ने लाल जरे रत्ना के चमकारी थे ये महल बावड़ी तंग दुनिया ते चौधरी जयपाल सिंह दैया जी खरखोदा 100 रुपए पार्टी को नाम देते हैं। दैया साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। भाई एक ओर ने धरी मूर्ति सर आस करे दर्शनी की एक ओर ने कथा तो मेरी रोत्यारी बरसन की देखे एक ओर दस पीस गोपनी हुए जय बोले कृष्णी की एक ओर ने दस पीस गोपनी हुए जय बोले कृष्णी की देखे गंगा जमुना गंगा जमुना और सर तीरथ सब सब पे हारे थे सारे साजे महल बावड़ी।
भाई एक ओण ने लता बेल फल फूल पात मस्ती पै रे कुण मानने दलिया देरी रही बेचुमन सस्ती पै एक ओण ने धूप दीप गीत चढ़े जोत सस्ती पै मोर पपइये मस्त भवरी भाई मोर पपइये मस्त भवरी खुला पलेरा रे थे तार का के महल बावड़ी ढंग दुनिया ते आखिर में जिसमें उखा ने सपने में अनिरुद्ध को दिखाई दिया अपनी सहेली चित्ररेखा के सामने उसने बताया ये सहेली आज सपने में इतना सुंदर राजकुमार दिखाई दिया और जब तक इसके साथ में शादी नहीं हो लेगी जब तक चैन से नहीं रहूंगी। वो चित्ररेखा सहेली फोटो तैयार करके अपनी सहेली से बताने लग जाती है। जिस समय अनिरुद्ध का फोटो आया उस समय कहती कि ये था राजकुमार। तब चित्ररेखा राजकुमार अनिरुद्ध की तलाश में चल देती है और जिस समय द्वारका में पहुंची और जादू मंत्र से और उसका जाकर बताते हैं कि फिल्म को उठा लिया और वहां से चलता कर देते हैं। कैसे राजमहल रंगीन राजस्थान का प्रोग्राम में गए माशे पाले राम वहां कोई गड़बड़ होगी वापिस आने लाग रहे मेयर माशे जी और रास्ते में एक गांव के बाहर पीए खड़े नु टल्लू हो रहा न बोला कौन बाप इन माशे जी बोले भाई हम तो गणिए हा न बोला खड़ा गए रे मास्टर जी बोले जी हम तो जो है ना गान गए थे और छठी थी कहीं वहां गड़बड़ होगी छोरा हो रहा था प्रोग्राम कौन रहा न बोला छोरा मारा हो रहा मारा उन दो। अब जी हमने सोचा चलो रात तो खराब हो ली आड़े से ही और इनके में साधन दे दारू दप्पा प्या होगा रोटी पानी खुआओगे रात तो कटेगी रिहर्सल हो जाएगी मां चलो जी कड़े करना प्रोग्राम नु बुला रहे घेर में बजन जाओ अर मगा सुन दिए सुन दिए नु बोले मैं खड़ा रे और एक छान मत काट के और दारू बंद थी उन दिनों में एक देसी की दारू की बोतल दे दी और जी थोड़ी आन जब प्रोग्राम होंदन होगी साढ़े ग्यारह बजे ने बोला रोटियां का प्रबंध करके लाऊ इतना जियो ना गाणते और जी दो घंटे में आया एक तांसड़ा में मोटे मोटे रोट एक कुलड़े में काली काली दाल छह सात मोटे मोटे गंठे
इतनी लंबी लंबी हरी मेरे से और रोट जमा कोले कोले ले आया। मैं बोले ताऊ के बात है ये थी रोटी नू बोले आपो पो के लिया भाई अपना आपो ही है मगर मारी ताई कड़ा है नू बोले उससे का छोरा हो रहा है माचल कोई बात नहीं मारी ताई का छोरा है कुतरे बे 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 मारे को बुआ नहीं थी के नू बोले उसने लेन गया था उसका ओडो है पाया मां ठीक है सुन बोला मेरा भी पटनी छोरी है उसने लिया जुड़िया उसका हो गए मां बोला माशे पाले राम मन मां मास्टर जी ये इसी काली काली रोटी खाना लिए नहीं हो जाएगा तेरे भी मगा प्रोग्राम चल रहा जैसे यहां रागनियों का चल रहा गजलों गजलों का कवालियों का प्रोग्राम चल रहा और एक बीच में शेरो सारी करने लग गया और शेरो सारी करने वाले का अपना अंदाज होता है एक बात को बहुत लंबी कर करके कहता है। एक सुंदर लड़की का वर्णन करने लग गया कहने लगा कि कमर उनकी इतनी पतली कि मानो है ही नहीं बार बार इसी बात को कहे कि कमर उनकी इतनी पतली कि मानो है ही नहीं एक शराबी बैठे आग गए अगर इसकी बाण का अग्रे नहीं डगदाई तो सोच लिया कहू तो वह पूरा नहीं करा तो इसका जवाब मैं दूंगा जैसे उसने कहा कि कमर उनकी इतनी पतली कि मानो है ही नहीं उठ के नु बोलिया फिर तेरी बुआ नाड़ा कड़े बंद है जी बोलिए हरियाणा कंपटीशन के सरताज सबसे वरिष्ठतम कलाकार अपने पूरे अंदाज में मास्टर सतवीर भैंसवाली अपनी पार्टी के साथ मैना कैसेट तहिया खरखोदा 100 रुपए इतने हैं बार बार धन्यवाद दिया था चंबल के कंठारे उपरी रुधन करे मामारी ने ओए मार पीटक उलटे ताजिए जुलम करे पटियारी संबल के कंठारे ऊपर रुधन करे मामारी ने मार पीटक उलटे ताजिए जुलम करे पटियारी ने गया झोंक लेने एक सौदा कर यार आया था ताता पानी भला जेग में पेट पाटड़े नहाया था पटियारी ने भोजन दे दिया यारे बैठ के खाया था तीतर सी में डाकों ने मरी माँ का जिक्र चलाया था राजी हो के न्यू बोला ये काट मेरी बीमारी ने संभल के खटारे ऊपर बोली मारी मत तेरा सहज गुजारा हो जागा
केला रह के काम करेगी, मन भी सहारा हो जागा। हम आ रखेगी ते तेरा सर के किनारा हो जागा। सौदा कर काल बका जयरा दुपारा हो जागा। राम सो तू खा ले जल की धारी न संभल के धारे उतरे सुन करे महारी रे सर मार की रे बोलते भाई रोवती रोवती माता मारी लकड़ सरात बार लई अपने मन में हमने सुधी माने कौन सी कार ली सोचा करने हाथ पकड़ के अंगन बोट में सार लई पर दारी बन करके करके खड़की मार लई कहन लगी नौका दियो छत्तर धारी में के बनकारे ऊपर आया कोना पाठ देख ली चार घड़ी आगे मुश्किल होए गुजारा किसी व्यक्त की नाग लड़ी अपने मन में नो सोचिया कौन मुसीबत यार पड़ी किसी बीमारी लगी रात में कौन पाई बुटी जड़ी आवाज भी ढलगी दवा भी ढलगी आवाज भी ढलगी दवा भी फिर सर पिज्जा पन सारी में संभल के छोरा गणपट बहु आ गई क्यों क्या अपना हरियाणा में अनपढ़ गया तो पढ़ी लिखी आ गई तो बचपन में ब्याह हो गया था छोरा पढ़ लिख के जजमागन से सरला बजाव है चलो चीज जैसी है सरिता के दिख दे गंजा बैठा के सिर पर हाथ लाग रहा है फेरने बेरानी अपने सिर में सरिता का केस सोच रहा हो तो राम जान है तो बचपन में शादी होगी छोरा अपन लिख के बहुत बड़ा अफसर ला गया बहु अनपढ़ रहेगी अब जिस भी पार्टी में जावे वहां सारी औरत है वो अंग्रेजी बोले और वहां खड़ी रह चाहे तो बोले नहीं और बोले तो वो क्या बात सा अब बड़ी दिक्कत हुई वो समझाने लगा कि भगवान थोड़ी अंग्रेजी सीख ले वो कहने लगी मन ना आती अंग्रेजी आखिर में वो अफसर कहने लगा कि सिर्फ एक लाइन सीख ले अगर तेरे से कोई कहता है कोई तो मेरी तरफ इशारा करके न्यू कह दिया कर कि वो मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनकी वाइफ हूं ओ ब्लेसन तो ये भी याद कर दू चूनो सुन लाग रही चूनो सुनती भी वो मेरे हस्बैंड है मैं उनकी वाइफ हूं वो मेरे हस्बैंड है
मूल की वाइफ हूं, चून का गिलास बैंड भी ओसन दिया, कौन रमत उल्लू आ गया खूब याद कर दिया। शाम को जब गए एक पार्टी में, एक ने पूछा कि बहन जी आपकी तारीफ, वो असली बात भूल के और इशारा करके न्यू बोली कि जी वो मेरे एंड पंप है और मैं उनकी पाइप हूं। बोले भाई अनूप बैठा था यहां एसटीडी वाले, तीन चार लेडीज बात करने लग रही और बात भी चल पड़ी, क्योंकि पांच सात लुगाई बैठी हो फुर्सत में चुगली करने लगेंगी और चुगली अपने घरेलू की करने लगी, और चुगली का भी चक्कर चल गया कि किसका घराला कितना भुलक्कड़ है। सारी बोली अबे ब्यालू मंगाए थे लाडू ले आया, कोई कहे किमे कोई कहे, एक बुढ़िया बोली अनूप भाई साहब की घराली ने, बोली अनूप की बहू, अनूप तो बहुत बढ़िया छोरा है, एसटीडी चला रहा सियाणा छोरा, वो तो भुलक्कड़ नहीं। बोली री के बुझेगी, बहुत ज्यादा भुलक्कड़ है। ए बोले किमे बात भी हुई, कह लगी कल टेलीफोन आया मेरे को, बोला गया फला दरल स्टोर पर पाइए और कुछ सामान लेना है। कह लगी मैं तो चली गई स्टोर पर, इतना मैं एसटीडी पर भीड़ लगी रही, एक घंटा लेट आया पसीनम पसीना, और मैं शामी बैठ गई जाहिर उन पिछड़ी नहीं, और फिर घना ध्यान से देख के मेरा तेन बोलिया आए बेबे देख रखी कौन सा काम की है। नाते ना भूल जा, और जो सा रिश्ता मैं तेरे के लिए कायम करना चाह रही हूँ उस पर गौर फरमा ले, और गौर भी चुक कर फरमा ले, मेरे के लिए माता ने चुक करके बुरी करी है और चुक करके बता लगी मैं परी रंग चावे उमंग में पूरण मल तू कुल से ढंग में मेरी तेरे पिता के संग में जोड़ी ना मिलती ना मिलती जोड़ी ना मिलती। प्यार तो होना चाहिए। जो धनी माली आपकी खातिर इसका तू बन जा मालक चादर, जो धनी माली आपकी खातिर इसका बन जा मालक चादर।
से बोल कर दिखा चुपकिल मिटना जख्म दर्द का तू कह रहा से बोल कर दिखा चुपकिल मिटना जख्म दर्द का वीर मर दिखा कर ले नाता तूना पति मैं सवासन ब्याहता तू गई बैरन देर मत मेरी जोड़ी ना बढ़ती ना बढ़ती जोड़ी ना मिलती मन मिले से यो लूटण जोगा मौका से रस घूटण जोगा मार मिले से लूटण जोगा मौका से रस घूटण जोगा उठण जोगा जोश नहीं से चलन पीरण का भी होश नहीं से और किसे का दोष नहीं से मेरे कर्म की गलती वो गलती जोड़ी ना मिलती मैं बड़ी रंग चावे उमंग में पूरण मल तू गुण से ढंग में मेरी तेरे लक्ष्मी चंद छोटी जीवन जोगी में कोला लक्ष्मी चंद जगर में कोला छोटी जीवन जोगी कोला मोहन मेरा बाप भाई में फिर कमर की मैं करड़ाई में जो जमेगी सरदाई में वह रेल पुल पड़ती हो पड़ती जोड़ी ना तो ये बोल तुम्हारे हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी ने कहे कि लक्ष्मी चंद जी घर में धोना और छोटी में जीवन जोगी कोना नुवली इश्क का तीर पूरण मल मेरे आर पार निकल गया है पर आपकी असरिता चौधरी आपके बीच में डबल डबल मौके हो रहे हैं दिवाली का खुशी का त्योहार है और ऊपर से इतने बढ़िया रागनी प्रेमी आ रहे हैं के कहूं सिर्फ इतना ही कहूं झूम तमाम मस्त महीना ऐसे में कोई मुझसी हसीना कान में बाली मुंह पे पसीना याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई झूम तमाम मस्त महीना ऐसे में कोई मुझसी हसीना कान में बाल मुंह पे पसीना याला याला दैया इलेक्ट्रॉनिक्स खरखोदा से 100 रुपए हमारी पार्टी को देते हैं और जिन मेहरबान कदरदानों ने हमारी पार्टी को 100-150-150 रुपए दिए हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मैं मैडम सरिता चौधरी के पड़ोस में ब्याह रखा सच्ची बात है मैं ब्याह पते शुरू शुरू में गया अरिया छात में खड़ी मैंने देखा वह फागण का टाइम है और सरिता छात में खड़ी है भाई किमें किमें कबाड़ा होगा मेरती बोली जी जा थोड़ा पानी घेर दू मखा ना देखे जादे का टेम है और मुश्किल से जुखाम दूर होया है रहन दे फिर ने बोली मड़ा हर रंग घेर दू मगर रहन दे तनखा मत पीछे बचा के मुश्किल से एक पेंट कोट छमाया भगवान क्यों बिगाड़े है फिर ने बोली जी जा मारी गार घेर दू कीचड़ मगर रहन दे जमाए खराब हो जाएगा मामला फिर ने बोली जी जा तेरे पे पड़ जा मगर क्यों बकाव है रहन दे दैया म्यूजिक सेंटर खरखोदा एवं मैना कैसेट कंपनी 100 रुपए पार्टी के नाम से देते हैं इनको बार बार धन्यवाद दिया जाता है। लाडूंगी ना भेड़ूंगी और पढ़ूंगी कुए मैं पढ़ूंगी कुएं मैं तेरे लाडू की ना बैठूंगी पढ़ूंगी कुएं मैं तेरे
नाम दे तू ही हुक्म मेरी पे देख के मैं के खाली बठी तेरे देख के करड़ी नजरा देखे चोर सा के ठोर सा तो सा देखावे चले चोर सा के ठोर सा तो सा देखावे चले कि सब ओड़िया बेरानी कमा के लिया के भूख प्यास में ब्याज को लटकाया के धन माल कमा के ईसा करना छो में आया करता नहीं आड़कर डर के सतावे चले करता नहीं आड़कर डर के सतावे चले मन ओड बड़ी सैनी से की लोड तेरी रेते में रलो मरोड़ बनना इसे घरवा से की लोड तेरी मैं सुन पीर मुला जा तो शेर के सच्चे हतेरा तेरा कुरा पट्टा चले शेर के सच्चे हतेरा तेरा कुरा पट्टा चले किसे लोग गाई गिरकानी ने चंदन ने गाव गया यो ये भक्त हाथ नहीं आवे लक्ष्मी चंद चंदन ने गाव गया यो चले ईसा हुक्म चलाना चावे और पकड़ सूखी राले जाले ईसा से ते जाके ब्याले पकड़ सूखी राले जाले ईसा से ते जाके ब्याले सनोटन की मैडम पासी नैयर स्टेज पर आए और उनके तुरंत बाद मैडम पुष्पा स्टेज पर आए और उनके तुरंत बाद
मधु शर्मा है और मधु शर्मा के साथ साथ उसके बाद राजेंद्र खिड़की आए, आगे का शेड्यूल जैसा होगा। तो लीजिए मैडम पासी नैयर, तो चुटकला भूल गया था, फिर जुगाड़ के दिखे पाछे मेरे भी याद आ गया। मैं या गा थम भाई भाई मारे बैठ जाओ उस पर ले भाई ने दिखन दो हमें बड़ा हम रहे। मैं दिल्ली अपने इस कंपटीशन के लिए चला, एक हमारे मित्र बंबई में है, ये चुटकला नहीं सच्चाई है, उससे बात हुई। अच्छा जी अरे जा, तो वो उसने टेलीफोन से मेरी बात हुई कि भाई कहां जा रहे, मैंने कहा भाई साहब कंपटीशन में जावा दिल्ली। हाँ जा, जो कर भाई साहब पेशाब का जिक्र कर रहे हैं कि नहीं बोला भाई मैं पेशाब कर जा हूं, उन्होंने बोला तू वो कर जा है बराबर लगी कोर्ट में कर दे, उन्होंने बोला जब बेरा लग गया तो नहीं बोला मैंने त्री कोर्ट में तीन बार कर लिया तेने बेरा पिटाया, तो कर लो अंकल जी जरा आपका जिक्र है। हाँ जी, तो टेलीफोन पर मेरी बात होने लग रही, उन्होंने बोला भाई साहब बड़ी तमन्ना थी, पता लगे सारे कलाकार आने लग रहे हैं, सबको सुनने की तमन्ना थी, लेकिन मेरी राम राम दे दिए, ये सुनने की बात है। मेरी उससे टेलीफोन पर बात हो रही, और आजकल टेलीफोनों की लाइनों में बड़ी गड़बड़ है, एक टेलीफोन पर बात चल रही रिश्तेदार बताओ आपस में खेती बाड़ी की डांगर ढोर की, भाई खेती बाड़ी किसी है और तो ना महाश मुशिया की बतला लग रही, कदे मेरी रो मारा साथी बंबई में कलाकार उसकी बात सुने कदे उसकी सुनो, दोनों कैसे मिले आपको बताऊं। उसने मेरे पास पूछा अरे महावीर गुड्डू भाई सारे कलाकार दिल्ली आओगे क्या हाल है उनका, मेरी बात कटकी उनकी शुरू होगी, बोला सारे हम पानी दे दिया। इतना उसने फिर पूछा बोला भाई रणबीर बड़ुआ सिंह का क्या हाल है, मारी बात कटकी उसकी आवाज आई बोले अमराबदा सूखी तूड़ी नहीं खांदा खड़गेरी नहीं पड़े है। फिर उसने पूछा ने बोला सरिता चौधरी का क्या हाल है, मारी बात फिर कटकी उसकी फिर शुरू होगी बोले अमरीकन सुंडी लागी थी स्प्रे कराना पड़ा। फिर उसने पूछा गया मास्टर सतबीर जी का क्या हाल है, मारी फिर कटकी बोले सूदा करा था नलियां पानी हो गया। फिर उसने पूछा भाई नीलम चौधरी का क्या हाल है, कही बालक से उसका मारी बात फिर कटकी उधर सेवा जाई और कंप्लेन कर कटा दिए। फिर बोला राजेंद्र खिड़की आ गया क्या हाल भाई, मारी बात फिर कटकी पशुओं की बात चल पड़ी ने बोला नहीं कटड़ी बच रहा था टांग तुड़ा ली। आखिर में अंत सुनो, आखिर में ने बोला रे पासी नैयर का क्या ब्यौत है भाई, मारी बात कटकी उसकी आवाज आई ने बोला नहीं होंगी बाजी तीन महीने बढ़िया नहीं है। तो लीजिए मैडम पासी नैयर ओ केलर गया शिकार बता के शान करे से हो देवरे सीला पानी क्या दू के तेरी बहु बरे से हो देवरे केलर गया शिकार बता के शान करे से हो देवरे सीला पानी क्या दू के तेरी बहु बरे से हो देवरे सीला पानी क्या दू के तेरी बहु बरे चोर छोड़ दे चोरी करनी छोड़ दे को न बाण ने चोर छोड़ दे चोरी करनी छोड़ दे को न बाण ने और बक्का चला अपन कारा धरती पर जाने ने पीवण न त नसीला चाहिए ताता चाहिए नाल तनया चा चाहिए खान ने चा चाहिए देवरे।
मैं ना कैसे हमारी पार्टी को 100 रुपए देते हैं। देखिए सांझ हुई जब घर में बढ़ गया लकड़ा तू प्रभात का और एक घड़ी भी मिटा को ना झगड़ा दिन रात का के पिए बिन सरता को ना पानी मेरे हाथ तू बना का मीठा पेट काला जानू त्री सपाई में और आज करा दू तोड़ बात का आलन दे तेरे भाई ने मेरे पे क्यों रोब जमावे खाती नहीं कमाई क्या करण सिंह जी जाई क्या करण सिंह जी जाई ना नहीं गात मैं बाकी हो मंगेरा और खानी होते खाले देवरे रोटी का चिपा की हो नहीं सरे तो बेसक धर ले नारा चूलता की तन कर राखी बदनाम तन कर राखी बदनाम मेरे सर दोस्त धरे से वो देवरे पहाड़ी का